साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे बात करने गए हैं कि भाई इतने मैसेज में इतनी इंक्वायरीज आती हैं, सर जी कुवैत जाना है और वो भी ड्राइवरी में, हमारे पास लाइसेंस है। लोग व्हाट्सअप करते रहते हैं, मेरे पास लाइसेंस, महीने में 20-30 लाइसेंस ऐसे आ जाते हैं जो कुवैत से रिलेटेड इंटरेस्टेड होते हैं जाने के लिए। तो भाई आपको बता दूं, अगर आप कुवैत इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए ड्राइवरी से रिलेटेड ये आपके लिए कामयाब हो सकता है। साथ में डीजल मैकेनिक से रिलेटेड भी जॉब आया हुआ है। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी तरीके की सही जानकारी मिलती रहे। हम बात करेंगे अल्फनार कंपनी इन कुवैत। अब अल्फनार कंपनी साथियों कुवैत की तरह बेस्ट कंपनी है। इसका इंटरव्यू है 10 फरवरी 2020 हमारे राजस्थान सीकर मैन पावर ऑफिस अन्स प्लेसमेंट सर्विसेज में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में, इस जॉब से रिलेटेड, जिसमें हेवी लाइसेंस वाले ड्राइवर, लाइट लाइसेंस वाले ड्राइवर या डीजल मैकेनिक से रिलेटेड। हाँ, ड्राइवरी की कैटेगरी बता दूं साथियों, इसमें बंदे को GCC लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी बाहर का लाइसेंस होगा तो ही इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं पहले बता दूँ, हेवी ड्राइवर जॉब से रिलेटेड साथियों सैलरी है 140 KD प्लस फूड प्लस ओवरटाइम। अब यहाँ पे झोल ये हो जाता है कि मेरे पास इतने सारे लोग कमेंट व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट भेजते रहते हैं जिसमें लाइट ड्राइवर की सैलरी यहाँ पे कितनी दिखाते हैं, 170 KD, ठीक है, और हेवी की तो भाई 180-200 के करीब सैलरी दिखा देते हैं, जबकि ये सैलरी नहीं मिलती। जेन्युइन सैलरी कंपनियों में यही मिलेगी। हेवी ड्राइवर की 140 KD है तो भाई लाइट में तो 110 KD स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यहाँ पे 170 KD लाइट में दिखा देते हैं, लोग बावड़े होके चले भी जाते हैं उनके पास। तो थोड़ा सा गौर कर लीजिए, लाइट ड्राइवर का जॉब भी है 110 KD प्लस फूड प्लस ओवर टाइम, और ये भी तब मिलेगी जब बाहर का लाइसेंस आपके पास पहले से है, इस बात का गौर कर लें। तो भाई ऐसे नहीं मिलने वाली जॉब, इतना आसान नहीं है, इंडिया में जॉब नहीं मिलेगा यार आपको, क्या बात करते हो, विदेश में तो बहुत बड़ी बात आती है। विदेश में गाड़ियों के प्रति इंडिया नहीं है भाई कि अनपढ़ को लाइसेंस मिल जाए, इतनी आसान नहीं है। जेन्युइन सैलरी बता रहा हूँ आपको, चाहे अप्लाई कहीं करें लेकिन सैलरी आपको ये मिलने वाली है कंपनियों में। हो सकता है 10-20 KD ऊपर नीचे हो जाए, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। डीजल मैकेनिक से रिलेटेड जॉब उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ITI किए हुए हैं, डीजल से रिलेटेड उनको काम आता है। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंच जाइए 10 फरवरी, एड्रेस वीडियो में डाल दूंगा, वहां जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर पास हो गए तो 130 KD स्टार्टिंग सैलरी रहेगी प्लस फूड प्लस ओवरटाइम मिल जाएगा, यानी ड्राइवरी में अच्छी है, 40-45 हज़ार तक मिल सकता है, 35-40 हज़ार तक इसमें मिल सकता है, इसमें भी आराम से अच्छी सैलरी मिल सकती है, 35-40 हज़ार ओवर टाइम करके बंदा आराम से कमा सकता है। तो ये थी साथियों कुवैत से रिलेटेड। वर्क परमिट वीज़ा मिलेगा, इसमें बता दूं वर्क परमिट वीज़ा पासपोर्ट में स्टेपिंग होगा, 2 साल का वीज़ा आपको मिल जाएगा। ड्यूटी बताऊँ 8 घंटे इसमें ड्यूटी रहेगी, ठीक है। गल्फ रिटर्न लाइसेंस होल्डर, ओनली गल्फ रिटर्न लाइसेंस होल्डर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक अगर आप इंडिया से हैं, आपको कारोबार का अनुभव नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, खासतौर से राजस्थान में या बाहर के हैं तो एड्रेस मैं डाल दूंगा, तो आप ज़रूर आप जाके अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो भाई अच्छी कंपनी है, आपके किस्मत लक है। मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी दे दी है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।